वो सुकून जो टेक्सास और पेंसिल्वेनिया की शहरों के अंदर नहीं मिला, वो पंजाब के पिंड देहातों में मिला शेख आतिफ को। ये थी वो धरती जहां हमने अपने आप से मुलाकात की। वो जिंदगी क्या जिसमें मक्खन और साग ना हो, वो जिंदगी क्या जिसके अंदर गोबर की थापियां ना हो, वो जिंदगी क्या जिसमें डेयरी का दूध ना हो, सरसों के बाग ना हो, वो जिंदगी क्या जिसमें इंसान की तहजीब ना हो, उसका कल्चर ना हो, और फिर वो जिंदगी क्या जिसमें दीन ना हो, अल्लाह ना हो। वी आर ऑल विलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, असि अंग्रेजी जुबान माहिर करना चाहते हैं। I can talk to you for hours and hours in that language. That's not a problem for me. ते तुसे सानू अंग्रेजी ते सिखा दित्ती, तुसे साडी जुबान क्यों नहीं सिखाई सानू? ते असी अपनी बुढ़ी नू कह शुकर अदा करने आ, राजपूतां दे अंदर मैं शादी कीती, साडी वाइफ ने कहा अगर तू दुनिया च राज करना चाहना है पंजाबी सिख जाके, फिर सिखी जाके मैं पंजाबी अपने लोगों नू समझन वास्ते, 9 करोड़ के सूबे नू समझन वास्ते, सिंध नू समझन वास्ते, ते साडे बच्चे जड़े ने वो 2 मिनटां के अंदर इंप्रेस हो जाते हैं लोगों को। ये पैसा दौलत माल शोहरत टैका ये क्या चीज है? लाख कुर्बानियां ला टेबल के ऊपर, तो देख कैसे कदमों में होंगे लोग तेरे। और अगर सारी जिंदगी गुजारने के बाद काश अगर मगर चुनके चुनाचे चाय के ढाबे ही रह जाने हैं, ये है जिंदगी जो अल्लाह ने तुझे दी थी मेरे दोस्त। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रैयती, कितने चली गई कि हमने हर आदमी को क्यादत दी थी और हर आदमी के नीचे एक सल्तनत है जो उसने संभालनी है, तो कैसे तू सारे शरीके को इकट्ठा करेगा अपने डेरे में? तू माँ के शरीके को कैसे जमा करेगा? तू प्यो के शरीके को कैसे जमा करेगा? तू इलाके के लोगों को कैसे अपने पास लेके आएगा अगर इस सीने के साथ जंग नहीं की होगी तूने, अपने नफ्स के खिलाफ तूने जिहाद नहीं किया होगा, किसी बड़े का लोटा नहीं उठाया होगा, खामोशियां नहीं अपनाई होगी, तेजियां नहीं छोड़ी होंगी, वसत नहीं पैदा की होगी अपने सीने के अंदर, हक पे रहते हुए अपने बहसनी और झगड़ा नहीं छोड़ा होगा। कलाम लफ्जों को कलाम बनने के लिए, कली को फूल बनने के लिए, वक्त की उस आतिश को आतिश फिशा बनने के लिए, कलामों को एक किताब बनने के लिए, बंदे को एक एहसास बनने के लिए बहुत कटना पड़ता है, बड़ी खामोशियां बड़ी गुमनामियां बनानी पड़ती है। हैवी थोड़ी तेरा नबी 36 साल की उम्र में घर में चला गया दुनिया को छोड़ के, ये लाजिम है ये तन्हाइयां, और हम महफिल नहीं छोड़ रहे, हमने यारों के पीछे यारियां लगाई हुई हैं। तू थोड़ी सी सिफ्त बदल, देख तेरे इर्द गिर्द बैठे हुए लोग नहीं होंगे तेरे साथ, और ये मारने वाले कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं होते, ये बराबर में बैठे हुए लोग होंगे खानदान के, यही तो मारेंगे तुझे, यही तो देख रहे थे तेरी कमजोरियों को। जिस दिन तूने अपनी आजादी क्लेम करनी है, अपना रब से ताल्लुक क्लेम करना है, अपना खुद के साथ अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो जिस दिन अपने आप से मुलाकात करेगा ये बराबर में बैठे हुए होंगे, तो ये जिंदगी है, ये दुखों का नाम है, ये जंगों का नाम है, ये सिलसिले हैं, खुद से मुलाकात के, फिर रब से मुलाकात के, फिर खुद से मुलाकात के, इसमें शक की वादियां हैं और बलाएं हैं इसके अंदर, बेयकीनी के सफर होंगे तेरे, अनसर्टेनिटी के बाप होंगे तेरी लाइफ के अंदर, ख्वाहिशात और शहवात और शैतानों की लंबी लिस्ट होगी जो हर नुक्कड़ में तेरा किस तरीके से तेरा तुझे ज़िबा करेंगे तू सोच नहीं सकता, और तुझे गैर नहीं तुझे अपना मन मार देगा कि आज नहीं कर सकता मैं, आज थोड़ा सा वक्त जाया कर दूं, थोड़ा सा टाइम इधर लगा दूं। बड़े लोग मकामों के बाद बड़े नहीं थे,
बड़े लोग हमेशा से बड़े थे, चाहे उनकी है माली हैसियत है चाहे जितनी कमजोर थी, लेकिन वो हमेशा से बड़े थे। तो अगर वो बड़ाई क्लेम करनी है इस जमीन पर, फिर लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में तो धड़कता हो, लोग तो उससे फैसले कराते हो अपने, उसके लिए दो बड़े उसूल याद रखिए। दो ही मसले हैं इंसान के, दो ही मसले हैं इंसान के। इजाजत है आगे आ जाओ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग कहीं? अल्लाह के बंदो, मैं कितनी दुआएं पढ़ता आया हूं, रब्बे शराली सदरी, देख देख खुल गया गला आज, वरना अल्लाह की कसम मेरी आवाज नहीं निकली। देख निकल गया गला, अल्लाह भी कहता है ना इंदा सन्नी अब्दी भी गुमान अच्छा रख मुझसे। मैं मुल्तान से निकला, अच्छा रात तो लेके एना मुल्तान वाले ने मेरे उत्ते सारे टोटके अपना लेने, केड़ी केड़ी चीज नहीं खिला दी इन्होंने मैंने।